जब कहीं बाहर ज़्यादा बड़ी मुसीबत आती है तभी बच्चा जो है अपने घर की तरफ भागता है, अपने परिवार को एकत्र करता है और उस परिवार से मदद मांगता है कि आज वो मुसीबत में है। नमस्कार, मैं संदीप शर्मा, उत्तम हरियाणा न्यूज़ पर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज ऐसा ही एक वाक्य जो है ट्रांसपोर्टर्स के साथ हो चुका है और ट्रांसपोर्टर्स यानी कि देश के प्रत्येक कोने से ट्रांसपोर्ट यूनियन एकत्र हो चुकी है। ट्रांसपोर्ट यूनियन एक यूनियन नहीं, यूनियन की भी यूनियन एकत्र हो चुकी है और उनको एकत्र कर संयुक्त राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा संगठन बनाया गया है, जिसके तहत जो है जो ट्रांसपोर्ट की जो आज के दिन जो समस्याएं पैदा हो रही हैं ट्रांसपोर्टर्स के बीच में, यूनियंस के बीच में, तो उनको सही तरीके से उनको एक लेवल पर लाने के लिए इन यूनियंस को एकत्र होना पड़ा। और किन समस्याओं को आज ये झेल रहे हैं तो शुरुआत से सबसे बातचीत करते चलेंगे। तो सबसे पहले हमारे साथ हैं, आपका शुभ नाम सर? मेरा नाम सौंदर, मैं ऑल इंडिया भाईचारा ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन से राष्ट्रीय अध्यक्ष। यहाँ जो आज ये संयुक्त मोर्चा कार्यकारिणी का जो गठन हो रहा है, संयुक्त मोर्चे का गठन पहले राउरकेला उड़ीसा के राउरकेला से हो चुका है और वहाँ 22 स्टेटों की 65 एसोसिएशनों ने अपना रिटर्न में समर्थन दिया है कि अब हम लोग अपने हक की लड़ाई को एकजुट होकर के लड़ेंगे। और आज यहाँ उस कार्यकारिणी की प्रथम बैठक है, पूरे हिंदुस्तान के प्रत्येक स्टेट के अंदर यूनाइटेड फ्रंट ऑफ ट्रक ट्रांसपोर्ट एंड सारथी एसोसिएशन की कार्यकारिणी की बैठक होनी अभी बाकी है। सभी स्टेटों में यूनाइटेड फ्रंट्स की जब कार्यकारिणी बन जाएगी उसके बाद हम लोगों का पहला प्रोटेस्ट जंतर मंतर, जैसा कि अभी कुछ देर पहले आपको हमारे डॉक्टर राजकुमार जी ने भी बताया, बाकी हमारे मनमोहन सिसोदिया जी ने भी बताया कि पहला आंशिक प्रोटेस्ट हम लोग जंतर मंतर पर करेंगे एक दिन का, सरकार को एक आंशिक संदेश देंगे। यदि सरकार की नींद न जागी, हमारी बातों को नहीं सुना गया, तो हम उसके बाद तालकटोरा स्टेडियम भरेंगे। यदि तालकटोरा स्टेडियम से भी सरकार तक हमारा संदेश नहीं जाता तो हम दिल्ली का रामलीला मैदान भरेंगे। और अगर ये सोती हुई सरकार फिर भी न जागी, हमारे दर्द को उसने नहीं सुना, उसका निवारण नहीं किया, तो हम लोग पूरे देश के अंदर काम छोड़ो आंदोलन चलाएंगे। और आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से मैं एक संदेश सरकार को दे देना चाहता हूँ कि इस आंदोलन को वो किसान आंदोलन से ना आके, क्योंकि किसान हमारे भाई हैं। किसान आंदोलन के तहत गवर्नमेंट को किसी प्रकार का रेवेन्यू लॉस नहीं हुआ था, लेकिन यदि हम लोगों ने आंदोलन किया तो गवर्नमेंट को बहुत बड़े रेवेन्यू का लॉस प्रतिदिन होगा। कि हमारे अंदर की ताकत है, हम सरकार को बताना चाहते हैं कि हम डॉक्टर मंत्री पे आके आपको बताना चाहते हैं, हमारी मांगे मान लो, अगर हमारी मांगे नहीं मानोगे हम बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। हम आम जनता को हम नहीं करना चाहते, लेकिन अगर सरकार हमारी बात नहीं मानेंगे आम जनता को परेशान है, घाटी वाला तो परेशान होएगा ही होएगा, लेकिन जितने भी फैक्ट्री मालिक हैं या बैड डीजल अपना इनका बंद हो जाएगा, सरकार के हाथ में एकदम मान लेगा। हम पहले सरकार को बताना चाहते हैं जनता मंत्री होगा हमारी मांगे मान लो, भारत में इतना नहीं करता है कि अब मरने के बाद हमारे कई साथियों ने फंसी ले लिया, जैसे जिमीदार फंसी ले लेके मर रहे हैं, हमारे साथ बड़े पदे पदाधिकारी हैं, ऐसी क्या नौबत आ गई कि यूनियंस को एकत्र होना पड़ा है? अभी हम लोग विभिन्न संगठनों के माध्यम से अलग अलग बटे हुए, इसलिए अपनी आवाज़ को ना तो मैं राज्य सरकार तक पहुँचा पा रहा था ना मैं भारत सरकार के पास पहुँचा रहा था, इसलिए सभी लोगों ने तय किया एक संयुक्त मोर्चा बना करके और अपनी आवाज़ एक हो करके हम चाहे दिल्ली की सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार हो वहाँ करके चाहें, इसलिए हम सारे लोग सारे ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के लोग आज बने के आए, जिसमें हमारे ऑल इंडिया कांग्रेस के अग्रवाल जी भी आए हुए हैं, डॉक्टर साहब अटल जी हैं, सारे लोग बहुत विभिन्न प्रदेशों के हमारे पदाधिकारी हमारे यहाँ पे आए हुए हैं और हम लगातार मांग कर रहे हैं कि चाहे वो सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ मुझे लड़ना पड़ेगा हम उसकी लड़ाई लड़ेंगे, चाहे हमारी जो और मांगे हैं टूल टैक्स को लेकर के, पुलिस और परिवहन विभाग के भ्रष्टाचार को लेकर के, ये सब मांग हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। टैक्स नहीं, सभी टैक्स मतलब कह सकते हैं, मैंने अब इससे ज़्यादा हम लोगों के खिलाफ सोशल ड्रोन दिया, तो ऐसी स्थिति में हमारे पास है नहीं जो हम बर्दाश्त करें।
और सरकार जो है हमारी बात को सुनने का कहीं भी सबसे बड़ा संस्था है, देने वाला, टैक्स देने वाला सबसे बड़ा जो है ये संस्था ट्रांसपोर्ट है, और ट्रांसपोर्ट महकमे में सबसे ज़्यादा जो है आज के डेट में सबसे ज़्यादा या वो जिस रूप में देखा जा रहा है, तो हम सरकार को ये संदेश देना चाह रहे हैं कि ये व्यवसाय ख़त्म होने के कगार पर इसको बचाया जाए। आप अपना परिचय देते हुए थोड़ा सा कि आज की जो बैठक है इनका मुख्य उद्देश्य क्या है, किस प्रकार से जो है ये कार्यकारिणी जो आज जो संयुक्त मोर्चा बनाने का जो आज नौबत आई है ये नौबत संगठन तैयार किया है, बड़ा दुखी भी किया है और इनका भी वही लक्ष्य, बाकी लोगों का वही लक्ष्य है कि सबको इकट्ठा करते हैं, क्योंकि ये आज की डेट में छोटे कट तो खत्म हो चुके हैं, बड़ों पर भी चीज़ें आसान आ गई है, देश को चलाने वाले लोगों का खत्म होने का उद्देश्य कैसे चाहिए, तो उस चीज़ के लिए संगठन तैयार किया गया है और जो भी लड़ाई लड़ेंगे सब मिलकर लड़ेंगे, हमें संगठन में सबको, और डॉक्टर साहब ने जैसा कहा कि पहले धरना प्रदर्शन करेंगे छोटा मोटा जैसे उसके बाद जो तैयारी करेंगे बड़ी तैयारी करेंगे, और तैयारी इस बार ऐसा करेंगे लड़ाई आग पाल की लड़ेंगे, ना किसी चीज़ से मतलब हमें अपनी रोजी रोटी से, जैसे कि मैंने पहले कहा था राजनीतिक पार्टियों में कोई भी जा सकता है, लेकिन पहले अपनी रोजी रोटी जो हमारे को फैसिलिटीज देगी पार्टी हम उसके साथ भी रखेंगे पार्टी, तो पहली बात तो अगर हम स्वस्थ होंगे हमारा परिवार ठीक होगा तभी हम लड़ाई कर सकते, सरकारें कोई भी हो हम लोगों को उपेक्षित करके चलती है, जब भी समय आता है युद्ध का समय हो, आपातकाल हो, कोरोना हो, विषम परिस्थितियाँ हो, स्थितियाँ हो, आज किसान भाई जो अन्न पाते हैं वो हमारे अन्नदाता कहे जाते हैं, यदि वो अन्नदाता का अन्न यदि देश के विभिन्न वर्गों में नहीं जाए तो आप समझ सकते हैं स्थिति कितनी भयावह होगी, इसी को लेकर के हम लोगों ने कहा कि एक परिवहन आयोग की स्थापना की जाए, जैसे छोटी से छोटी समस्या बड़ी से बड़ी समस्या हमारे सामने समस्याओं का मार है।